आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन। हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। स्पोर्ट्स पल्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्पोर्ट्स पल्स के एक नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ खेल खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राजेश राय। राजेश, स्वागत आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। विशाखापत्तनम और पुणे में दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया का टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का इरादा। रांची में आज से तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। रूस में वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। मंजू रानी ने 48 किलोग्राम में जीता रजत। दिग्गज मैरी कॉम समेत तीन को कांस्य पदक। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन। आज फाइनल में ब्रिटेन से होगी टक्कर। डच ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन बने चैंपियन, लेकिन डेनमार्क ओपन में पीवी सिंधु समेत सभी खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन। और भारत की टीम ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 15 महिला सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब खबरें विस्तार से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मैच आज से रांची के जेएससीए स्टेडियम में शुरू हो रहा है। विराट की अगुवाई वाली टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम ने पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गृहनगर में होने वाले इस मुकाबले में धोनी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मैच के लिए एक बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन ने मैच के 5,000 टिकट सेना और सीआरपीएफ के जवानों को फ्री में बांटने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक सेना के सम्मान में ऐसा करने का फैसला किया गया है और सीआरपीएफ जवानों, आर्मी और एनसीसी कैडेट्स को सारे टिकट बांटे हैं। 39,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में दूसरी बार टेस्ट मैच का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस स्टेडियम पर इस साल फरवरी में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने भारतीय सेना की टोपी पहनकर मैच खेला था और धोनी ने सभी को ये टोपी बांटी थी। विशाखापत्तनम में 203 रनों से जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया ने पुणे में इससे भी बड़ी जीत हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका को पारी और 137 रन से हराया था। इस जीत से भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। भारत ने घरेलू जमीन पर लगातार 11 टेस्ट सीरीज जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। उसने ऑस्ट्रेलिया के 10 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय टीम ने 2003 से अब तक धोनी, विराट और रहाणे की कप्तानी में लगातार 11 टेस्ट सीरीज जीती है। विराट ने बतौर कप्तान अपने 50वें मैच में टेस्ट के साथ सीरीज भी जीतने में कामयाबी हासिल की। राजेश, भारतीय टीम का प्रदर्शन अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। देखिए, ये ऐसा प्रदर्शन है जिसकी तुलना सीधे सीधे जो ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की जो दिग्गज टीमें थी उनके साथ की जा रही है कि इतना डोमिनेंस घरेलू सीरीज में बहुत कम देखने को मिलता है। और विराट कोहली की टीम ने वास्तव में बहुत ही अपना दबदबा इस पूरी सीरीज में बनाकर रखा है। पहला टेस्ट जो विशाखापत्तनम में था, 203 रन की जीत, उसके बाद सबसे बड़ी जीत पारी और 137 रन से पुणे में। तो कमाल, आप देखिए, बैटिंग भी इंडिया की बहुत शानदार है और उतनी ही शानदार बॉलिंग भी है। सबसे बढ़िया चीज़ इस वक्त ये देखने को मिल रही है कि भारत का जो पेस अटैक था, अगर आप साउथ अफ्रीका के पेस अटैक को देखें, कैगिसो रबादा हैं उसमें, वेरनॉन फिलेंडर उसमें हैं जो दुनिया के शीर्ष 5 टेस्ट गेंदबाजों में शामिल हैं। भारत के पास जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ में नहीं थे और उसके बाद ये लग रहा था कि भारत का जो पेस अटैक है क्या वो साउथ अफ्रीका को काबू रख पाएगा। लेकिन अगर पहले टेस्ट की दूसरी पारी देखें, मोहम्मद शमी के 5 विकेट, अगर दूसरे टेस्ट में हनुमा विहारी की जगह उमेश यादव को मौका मिला तो उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट, 6 विकेट निकाले और कमाल की बॉलिंग इन दोनों पेस बॉलर्स ने की। और किशोर बड़ा ने यह कहा भी कि जिस तरह से रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया है भारतीय गेंदबाजों ने, जबकि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ज्यादा उसके इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने माना कि उनसे बहुत बेहतर प्रदर्शन परिस्थितियों का फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया है। देखिए, एक समय जहीर खान ने रिवर्स स्विंग में जो महारत हासिल की थी घरेलू पिचों पर, जो हमारी पिचें बहुत तेज नहीं मानी जाती हैं, उपमहाद्वीप की पिचें आमतौर पर तेज नहीं मानी जाती हैं, लेकिन उन कंडीशंस में रिवर्स स्विंग निकालना जहीर खान ने भारतीय तेज गेंदबाजों को सिखाया था और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद शमी हैं, उमेश यादव हैं, ईशान शर्मा हैं, बुमराह अगर इस सीरीज में होते तो शायद जीत का अंतर वो कहीं और भी ज़्यादा हो सकता था। अगर फास्ट बॉलर से हटकर हम स्पिनर्स को देखते हैं, रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने वापसी की, वापसी करने के बाद 2 टेस्टों में वो 14 विकेट ले चुके हैं, जडेजा कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बॉलिंग हो रही है कि जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, उन्हें दोनों टेस्ट मैचों में बाहर बैठना पड़ रहा है। जो रांची में मुकाबला हो रहा है, क्या
एक सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्ट चैंपियनशिप है और एक एक पॉइंट का काफी महत्व है। ये गुंजाइश खत्म हो चुकी है कि आप किसी भी अगर सीरीज आप जीत लेते हैं और उसके बाद किसी मैच में रिलैक्स कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर मैच जीतना होगा, हर मैच के साथ पॉइंट जुड़े हुए हैं। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप में कोई ड्रॉ खेलते हैं आपके पॉइंट बहुत कम हो जाएंगे, अगर आप जीतते हैं तो पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस मैच में अब भी जो रांची का टेस्ट है 40 पॉइंट दाव पर रहेंगे, भारत के पास 200 अंक हो चुके हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, लगातार वो 4 मैच जीत चुका है। साउथ अफ्रीका का अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप में खाता नहीं खुला है। जो दो टॉप टीमें टेस्ट चैंपियनशिप में रहेंगी वो जून 2021 में फाइनल खेलेंगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रयोग की कोई गुंजाइश ना रहे। भारत को ये मैच भी जीतना होगा और अपने अंकों की संख्या को 240 पहुंचाना होगा। पुरुष टीम के साथ महिला टीम भी दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम का क्लीन स्वीप करने में सफल रही। पहले T20 सीरीज में मात देने के बाद महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की महिला टीम को वनडे सीरीज में भी 3-0 से हराया। वडोदरा में पहले दो मैच में हराने के बाद भारतीय महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को तीसरे मैच में 6 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। उधर मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु में विजय हजारे टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे 17 वर्ष के यशस्वी ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंद में 12 छक्के और 17 चौकों के साथ 203 रन बनाए। लिस्ट ए में दोहरा शतक जमाने वाले वे 9वें भारतीय बल्लेबाज हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुपर ओवर का नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत यदि सुपर ओवर भी टाई रहता है तो फैसला आने तक सुपर ओवर बार बार चलता रहेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच इस साल विश्व कप के फाइनल की विवादास्पद समाप्ति के बाद आईसीसी को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्व कप फाइनल में इस बार मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई रहा था और फाइनल का फैसला बाउंड्री काउंट बैक के आधार पर कर लिया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। गांगुली के नाम की आधिकारिक घोषणा 23 अक्टूबर को बीसीसीआई के चुनावों के दिन कर दी जाएगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए नाम दाखिल करने वाले गांगुली अकेले उम्मीदवार हैं जिनसे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। गांगुली अभी बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और इस पद पर लगातार 2 बार चुने जा चुके हैं। इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। और अब चलते हैं मुक्केबाजी की तरफ। रूस के उलान उदे में वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में उतरी मंजू रानी ने 48 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली मंजू फाइनल में रूस की एकातेरिना पाल्सेवा से 1-4 से हार गई। उनके अलावा 6 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम, लवलीन बोरगोहाई और जमुना बोरो को कांस्य पदक मिले। जो प्रदर्शन रहा, हालांकि कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी राजेश, अगर हम बात करते हैं मैरीकॉम की, लेकिन मैरीकॉम कांस्य पदक तक सिमट गई, लेकिन मंजू ने उनके पुराने वेट कैटेगरी में जिस तरह का प्रदर्शन किया, क्या उम्मीदें जगाती है? देखिए, पहली विश्व चैंपियनशिप मंजू रानी की और पहली विश्व चैंपियनशिप में वो फाइनल तक पहुंची, इतिहास बनाया, रजत पदक जीता, लेकिन जो 3 कांस्य पदक मिले हैं, अब सवाल भारतीय मुक्केबाजी संघ के सामने आ गया है। प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अगर आप 2 विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी की देखें तो उसमें भारत के नाम 6 पदक आ चुके हैं। 2 पदक पुरुष मुक्केबाजों ने जीते और 4 पदक महिला मुक्केबाजों ने। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने जो 2 पदक पुरुष मुक्केबाजों ने जीते थे उनको फरवरी में जो ट्रायल होना है उस तक के लिए किसी भी तरह के जो क्वालिफायर होना है, ओलंपिक क्वालिफायर जो होना है, उसके लिए ट्रायल से एग्जेम्पशन दे दिया है। अमित पंगल ने रजत और मनीष कौशिक ने कांस्य पदक जीता था। अब उसी नीति को फॉलो करते हुए भारतीय मुक्केबाजी संघ चाह रहा है कि ये जो 4 मुक्केबाज जीती हैं इन्हें भी ट्रायल से एग्जेम्पशन दिया जाए, यानी इस दौरान उन्हें ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा और सीधे वो ओलंपिक क्वालिफायर्स में खेलेंगी। मंजू के लिए तो सही है क्योंकि वो फाइनल तक पहुंची थी, उनके नाम पर कोई विवाद नहीं है और ये पहले से भी तय था कि जो मुक्केबाज फाइनल में पहुंचता है, गोल्ड मेडल के लिए खेलता है, उसे ट्रायल से एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन मैरी कॉम का जो वेट कैटेगरी है जिसमें निखत जरीन मौजूद हैं, उन्होंने अब खेल मंत्री को एक पत्र लिखा है कि उन्हें मैरी कॉम से ट्रायल की अनुमति दी जाए और जो ट्रायल में जीते वही ओलंपिक क्वालिफायर्स में जाए। इससे पहले भी भारतीय मुक्केबाजी संघ ने मैरी कॉम से ट्रायल नहीं कराया था विश्व चैंपियनशिप के लिए, उन्हें सीधा प्रवेश दिया था। अब मुक्केबाजी संघ कहीं धर्म संकट में फंस गया है कि उसने जब एक पुरुष मुक्केबाज जिसने कांस्य पदक जीता है उसे जब ट्रायल से एग्जेम्पशन दिया है तो बाकी जो 3 महिला मुक्केबाज यहाँ विश्व चैंपियनशिप में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, क्या उन्हें भी एग्जेम्पशन दिया जाए या उनका भी ट्रायल किया जाए? तो इस समय इस बात को लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही है कि निखत
जरीन ने जिस तरह से खेल मंत्री को पत्र लिखा है, क्या उनका मैरीकॉम के साथ ट्रायल हो या नहीं हो, लेकिन मैरीकॉम ने जो इतिहास बनाया है वर्ल्ड मुक्केबाजी में 8 पदक जीतने का, वो एक मैं कहूँगा बहुत ही भारतीय खेलों के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने इतने पदक नहीं जीते हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। क्यूबा के मुक्केबाज जिनके नाम 7 पदक थे, खुद मैरीकॉम के नाम भी 7 पदक थे, उनको पीछे छोड़ा है। हालांकि वो फाइनल में नहीं जा पाई, लेकिन इनका प्रदर्शन काबिले तारीफ है और उम्मीद की जाती है जो 6 पदक भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों को इन 2 चैंपियनशिप में मिले हैं, अगर इनमें से आधे भी ओलंपिक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो भारत के लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और उधर बैडमिंटन कोर्ट पर एक खबर यह है कि लक्ष्य सेन ने डच ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट जीतकर खेल प्रेमियों को खुशियां दी, वहीं डेनमार्क ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। नीदरलैंड्स के एल्मियर में लक्ष्य सेन ने जापान के युसुके ओनेडेरा को 15-21, 21-14, 21-15 से पराजित कर खिताब जीता, लेकिन डेनमार्क ओपन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल समेत कोई भी खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच सके। दिग्गज खिलाड़ी लिंडेन को हराकर उम्मीद जगाने वाले बी साई प्रणीत का भी सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। ओलंपिक से पहले भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का प्रदर्शन, किसी टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन खिताब आ जाता है, किसी टूर्नामेंट में आप पहले दौर में हार जा रहे हैं, ये जो उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन है क्या संकेत दे रहा है? देखिए, निरंतरता का अभाव कई सवाल खड़े करता है कि जब आप विश्व चैंपियनशिप जीतते हैं, अगस्त में सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप जीती, उसके बाद 3 टूर्नामेंट वो खेल चुकी है, चाइना ओपन, कोरिया ओपन और अब डेनमार्क ओपन, और किसी भी टूर्नामेंट में वो सेकंड राउंड से आगे नहीं जा पाई। साइना नेहवाल, उनकी फिटनेस पर पहले भी सवाल उठ रहे थे और अब भी सवाल हैं, फिटनेस के साथ साथ उनकी फॉर्म पर भी सवाल हैं, वो यहाँ पर पहले राउंड में बाहर हो गई। बी साई प्रणीत, किदांबी श्रीकांत, समीर वर्मा सब दूसरे राउंड तक निपट गए। अगर आप डबल्स में देखें तो भारत की चुनौती भी दूसरे राउंड से आगे नहीं जा पाई। तो जब हम ओलंपिक से पहले के वर्ष में गुजर रहे हैं और इस तरह से खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन में कहीं निरंतरता नहीं है, खासतौर पर सिंधु के प्रदर्शन में, पूरे साल वो एक खिताब की तलाश कर रही थी लेकिन वो खिताब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर मिला और तब लगा कि वो अपनी फॉर्म में लौट आई हैं और अपनी इस प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखेंगी, लेकिन चाइना ओपन, कोरिया ओपन, डेनमार्क ओपन तीनों में सिंधु ने बहुत निराश किया है। एक वर्ल्ड चैंपियन से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 3 टूर्नामेंट में उतरे और किसी भी टूर्नामेंट में वो सेकेंड राउंड से आगे नहीं जा पाए। सिंधु को इस बारे में सोचना होगा क्योंकि अगले साल जब टोक्यो ओलंपिक में वो उतरेंगी खेलने के लिए तो उन्हें अपने कम से कम अपने रजत पदक का बचाव करना है, यानी उन्हें फाइनल तक पहुंचना होगा तब जाकर उनका रजत पदक बचा रह पाएगा। और ये भारतीय बैडमिंटन के लिए भी चिंता का विषय है कि उनके जो टॉप खिलाड़ी हैं वो जब बड़े टूर्नामेंटों में खेलने उतर रहे हैं तो उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जूनियर हॉकी की बात करें तो मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में जोरदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज फाइनल में खिताब के लिए उतरेगी। लीग मुकाबलों में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराया तो दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8-2 की करारी शिकस्त दी। हालांकि जापान से भारतीय जूनियर टीम को 3-4 से नजदीकी मुकाबले में हार मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 5-1 के बड़े अंतर से हराकर टीम ने एक मैच बाकी रहते फाइनल में जगह बना ली। भारत का अंतिम मैच ब्रिटेन के साथ 3-3 से ड्रॉ रहा। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच आज का फाइनल काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है। देखिए, अगर पिछले साल की बात करें तो इसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार टीम ने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-1 की बड़ी जीत इस बात को दर्शाती है कि जो भारत के यंग प्लेयर्स हैं, जूनियर प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रतिभा के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं, वो तैयार हैं सीनियर टीम में पदार्पण करने के लिए और पूरी कोशिश भारतीय टीम की रहेगी कि ब्रिटेन से जो पिछले साल की जो हार मिली थी उसका बदला चुकाएं, खिताब अपने नाम करें। भारत ने आखिरी बार 2013 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था तो एक अच्छा प्रदर्शन भारत का ब्रिटेन के साथ देखने को मिलना चाहिए और टीम को इस बार खिताब जीतना चाहिए। उधर भूटान की राजधानी थिम्पू में भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर सैफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। दोनों टीम निर्धारित समय में गोल नहीं कर सकी। पेनाल्टी शूट आउट में भारतीय गोलकीपर आद्रिजा सरखेल ने बांग्लादेश का पहला शॉट बचा लिया। भारतीय कप्तान चिल्की देवी ने अंतिम पेनाल्टी पर गोल करके भारत को जीत दिलाई। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम और बांग्लादेश का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद भारतीय टीम ने ग्रुप ई के दूसरे मैच में मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वक्त में मैच बराबरी पर रोका। 2 मैच ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम 2 अंकों के साथ ग्रुप में 4th स्थान पर बनी हुई है। आज के स्पोर्ट्स पल्स में इतना ही, लेकिन विदा लेने से पहले वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय का धन्यवाद। शुक्रिया। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुधीर राजौरिया के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन। हिस्ट्री मेड इन टैम्परे। हीमा दास हैज डन इट।
स्पोर्ट्स पल्स। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।